आजकल चुनावी स्लोगन का शोर है, लेकिन कभी आपने सोचा कि स्लोगन शब्द आखिर आया कहाँ से? इसका सही अर्थ क्या है? सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा गया। आइए जानते हैं हमारी सीरीज दुनिया रंग रंगीली में इसका सही जवाब। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे शब्दों से दो चार होते हैं जिन्हें जहाँ इस्तेमाल करना है ये तो पता होता है, लेकिन ये आए कहाँ से, इनका सही मतलब क्या है, इसके बारे में पता नहीं होता। ऐसा ही एक शब्द है स्लोगन। लोकसभा चुनाव के इस दौरान हर स्लोगन यानी चुनावी नारों का शोर है। भाजपा कांग्रेस समेत सभी दल तरह तरह के नारे गढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर ये स्लोगन शब्द आया कहाँ से, इसका सही अर्थ क्या है? सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा गया। आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। दुनिया भर में चुनावी अभियानों में स्लोगन का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि वाणिज्यिक विज्ञापन और कभी कभार स्कूल कंपटीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने जमाने में पश्चिमी अमेरिका के कुछ कबीले स्लोगन का इस्तेमाल करते थे। इसे आज के चुनावी नारों की तरह कबीले के लोगों को किसी बात पर राजी करने के लिए बनाया जाता था। स्लोगन शब्द जिसे हम भारत में नारे के नाम से भी पुकारते हैं, दरअसल भारत में नहीं बना, ये आयरलैंड या आयरिश भाषा का शब्द है। स्लोगन शब्द स्लोगन से लिया गया है, जो स्कॉटिश गेलिक और आयरिश स्लोग घैरम का अंग्रेजीकरण है। आमतौर पर सेना या भीड़ में ऊंची आवाज में बात करने वाले लोगों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। इस शब्द का अब आयरिश और स्कॉट्स गेलिक में वही अर्थ है जो अंग्रेजी में है। सिर्फ स्लोगन ही नहीं, गैलोर शब्द भी आयरिश है, जिसका मतलब बहुतायत होता है, यानी अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है तो आयरिश लोग इसे गैलोर नाम से पुकारते हैं।